हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कंक्रीट का वॉल्यूम बैचिंग कैसे होता है। राइट दोस्तों, नॉर्मली जो साइट पे जो हम मिक्सिंग करते हैं, मशीन मिक्स जो होता है दोस्तों, वो वॉल्यूम बैचिंग से होता है। तो दोस्तों आपने ऐसा कुछ फर्मा जो है दोस्तों, स्टील का या फिर लोखंड का जो फर्मा है वो आपने साइट पे देखा होगा। तो दोस्तों ये जो फर्मा है उससे वॉल्यूम बैचिंग कैसे किया जाता है, वही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो फर्मा है दोस्तों, उसका मैं डायमेंशन आपको बता देता हूँ कि जो इसकी विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ जो है 33.3 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है दोस्तों 35 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्मा है उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। राइट, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज इसका जो लेंथ है वो है 33.3 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ है दोस्तों वो है 30 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है 35 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें वॉल्यूम चाहिए मीटर क्यूब में, तो हम ये तीनों को क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, ये हो जाएगा 0.35 मीटर। राइट, अब दोस्तों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा करीबन 0.034965 मीटर क्यूब। राइट दोस्तों, ये हो गया मीटर क्यूब में। अब मुझे क्या करना है, ये जो इसको मैं पहले राउंड फिगर कर देता हूँ कि इसको मैं राउंड फिगर ले लेते हैं 0.035 मीटर क्यूब, मतलब ये जो फर्मा है दोस्तों इसका वॉल्यूम कितना है 0.035 मीटर क्यूब। राइट दोस्तों, अगर इसके अंदर मैं पानी भरता हूँ, राइट, तो कितना लीटर पानी, ये जो 0.035 है राइट मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो फर्मा है उसके अंदर कितना पानी आएगा, तो पानी कितना आएगा वो फाइंड करेंगे। तो हमें पता है दोस्तों 1 मीटर क्यूब जो है उसका, उसके अंदर हम 1000 लीटर तक का वॉटर आता है। राइट, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर का है पानी आ सकता है। तो ये जो पैरामीटर है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों इंटरपोलेशन करते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा। तो सिंपल है दोस्तों, हम क्या करेंगे 0.035 मल्टीप्लाइड बाय हम 1000 करेंगे तो ये आएगा करीबन 35 लीटर्स। दोस्तों ये जो है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों हमारा 35 लीटर की, मतलब इसका वॉल्यूम हम कह सकते हैं। राइट, 1 लीटर इस, ये जो वॉल्यूम है इसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं कि इसके अंदर 35 लीटर तक का पानी आ सकता है। तो दोस्तों ये हो गया, हमने निकाल लिया कि इसका वॉल्यूम 0.035 मीटर क्यूब है और इसका जो अंदर अगर हम पानी भरेंगे तो 35 लीटर के करीब होगा। 35 लीटर मतलब 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। राइट, मतलब 35 kg इसके अंदर आ सकता है। ओके, 35 kg इसके अंदर आ सकता है, 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 35 लीटर बराबर 35 kg हो गया। तो अब हम वॉल्यूम बैचिंग करेंगे, तो वॉल्यूम बैचिंग के लिए हम रेशियो ले लेते हैं कॉन्क्रीट का। तो कंक्रीट का हम रेशियो लेंगे 1:3:6। राइट, इसके अंदर आपको पता होगा ये क्या होता है, सीमेंट होता है, ये जो होता है दोस्तों सैंड होता है और ये जो होता है दोस्तों एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो हम ये जो रेशियो है उसका वॉल्यूम बैचिंग कैसे होगा। राइट, कितना फर्मा हमें सीमेंट का डालना पड़ेगा, कितना फर्मा हमें सैंड का डालना पड़ेगा, कितना फर्मा हमें एग्रीगेट डालना पड़ेगा और कितना वेट हमारा जाएगा। तो दोस्तों सीमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि सीमेंट जो है वो 1 बैग ऑफ सीमेंट हमारा आता है 50 kg का। राइट, और दोस्तों 50 kg जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है सीमेंट का, 0.035 मीटर क्यूब, ये भी आपको पता होगा। मतलब दोस्तों ये फर्मा में अगर मैं सीमेंट की 50 kg बैग डालूंगा तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम सीमेंट का बैग का है उतना ही वॉल्यूम इस फर्मे का है। मतलब ये फर्मा 50 kg बैग ऑफ सीमेंट या फिर 50 kg सीमेंट के लिए बनाए। राइट, मतलब इसके अंदर 50 kg सीमेंट हमारी आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, मतलब एक फर्मा क्या डालेंगे हम, अभी यहाँ पे लिख देता हूं कि 1 फर्मा। राइट, ये एक फर्मा हम या इसमें डाल, ये फर्मा जो हमारा मिक्सर होगा उसमें डालेंगे। अब दोस्तों सैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सैंड के लिए हम क्या करेंगे, दोस्तों जैसे सीमेंट क्या है 1 पार्ट है, मतलब हमने एक फर्मा ये डाला, मतलब 35 लीटर क्या है हमारा, बराबर 35 लीटर वॉल्यूम जो है दोस्तों वो हमने एक सीमेंट बैग का डाला। तो 35 डाला तो
ये 35 डाला तो उसके तीन गुना ज्यादा हमें क्या डालना है, सैंड डालनी है, तो 3 × 35 लीटर राइट। तो ये हम हो जाएगा करीबन 105 लीटर राइट, और लीटर मतलब 105 केजी हो गया ये हमारा, ठीक है। मतलब हमें सैंड कितनी डालनी है, 105 केजी। 105 केजी डालने के लिए हमें कितने फरमे डालने पड़ेंगे, 3 फरमे डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 फरमास, ठीक है, 3 फरमे, 1 फरमा ये हो गया, 3 फरमा ये हो गया। और कितना वेट हमने डाला, 105 केजी वेट डाला राइट। इसका कितना वेजी डाला, 50 केजी वेट डाला। अब बात करेंगे एग्रीगेट की, ठीक है। अब एग्रीगेट है दोस्तों कितना पार्ट है, कि जो सीमेंट है एक पार्ट है तो उससे 6 गुना ज्यादा राइट। तो सीमेंट का हमने एक पार्ट डाला, मतलब एक डाला राइट, तो 35 × 6 जो है 6 ज्यादा है, मतलब 6 गुना है, तो 35 × 6 करेंगे तो ये 210 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। इतना हम डाले, लीटर मतलब 210 केजी हो गया, ठीक है। मतलब अब हमारे पास रेशियो आ गया कि हमें कितने, ये कितना फर्मा डालना पड़ेगा, ये हमें 6 फर्मा डालना पड़ेगा मिक्स बनाने के लिए राइट। तो रेशियो आ गया क्या होगा कि 50 केजी बैग ऑफ सीमेंट और 105 केजी हमारी सैंड और 210 केजी हमारा क्या होगा एग्रीगेट। मतलब ये 1 फर्मा, ये 3 फर्मे और ये 6 फर्मे हम डालेंगे तो इतना वेट हमारा जाएगा, ठीक है। मतलब ओके दोस्तों, मतलब दोस्तों अगर हमें 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब कंक्रीट अगर बनाना है तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो प्रोसेस है, इतना मटेरियल डालेंगे तो कितना मीटर क्यूब कंक्रीट बनेगा राइट। तो दोस्तों ये फर्मा 0.035 का है, ये कितना हो जाएगा 1 + 3 + राइट, तीनों का प्लस करेंगे तो कितना पार्ट हो जाएगा, 10 पार्ट, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो 0.35 मीटर क्यूब। मतलब इतना कंक्रीट, मतलब एक बैच मिक्सिंग करेंगे तो इतना कंक्रीट होगा वन बैच मिक्स के लिए राइट, वन बैच के लिए। तो दोस्तों हमें 1 मीटर क्यूब के लिए कितने बैच करने पड़ेंगे, 3 बैच मिक्सिंग करने पड़ेंगे तब हमारा 1 मीटर क्यूब कंक्रीट दोस्तों बनेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट और विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट cvconcept.com, और इसी तरह से आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूंगा। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.